तो गाइस कैंपस का फोटो देख के तो तुम समझ ही गए होगे कि आज हम किस कैंपस की बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई जिन्होंने ब्लैकी के केक को कन्वर्ट कर लिया है। बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मेन एम ये है, जो लोग इस साल इस वाले आईएम में जाने वाले हैं वो, और जो कैट 2023 को लिखने का प्रोग्राम कर रहे हैं उनके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बन सके आखिर आईएम कोझिकोड क्या क्या ऑफर करता है इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट एंड समर इंटर्नशिप्स। तो आइए देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि जो लोग कैट 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए सीके सीईटी किंग लेके आ चुका है कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फॉर कैट 2023, जिसके बारे में आप गिवन नंबर्स पे भी कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। आओ आप जानते हैं ब्लैकी के बारे में कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें। सो आई एम कोझिकोड के बैच साइज है 546, जिसमें कि 52% फीमेल स्टूडेंट्स हैं और मेल स्टूडेंट्स हैं 48%। अब मेन बात यह है कि जो मेजोरिटी ऑफ लोग आ रहे हैं यहाँ पे, या तो उनपे बहुत ही अच्छा खासा वर्क एक्स है या फिर वो किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूट का पार्ट है अपने अंडरग्रेड में। अब जैसे कि इस डेटा से पता चल रहा है कि 31 स्टूडेंट्स आईआईटी के हैं, 73 एनआईटी, 12 एसआरसीसी दिल्ली और 39 के पास सीए या सीएफए जैसे सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं। 59% जनता जो आ रही है वो है इंजीनियर, मतलब कि एक इंजीनियर डोमिनेटेड कॉलेज है। उसके बाद कॉमर्स के बच्चे हैं, आर्ट्स, साइंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और रही बात वर्क एक्स की, तो तुम देख सकते हो कि फ्रेशर जनता कितनी है 26%। जिन पे एक साल या एक साल से कम का वर्क एक्स है वो है 9%। एक से दो साल वाले हैं लगभग 28%। इसका मतलब ये है कि जो भी बंदा इस कॉलेज में आ रहा है मेजॉरिटी के पास क्या होगा, एक साल या दो साल का वर्क एक्स। फिर दो से तीन वाले 27% हैं और फिर ग्रेटर देन तीन वाले हैं 10%। अब यहाँ पे मेन बात ये है कि अगर तुम्हारे पे वर्क एक्स होगा तो तुम्हें एक पॉजिटिव एज मिलेगा जब तुम्हारा स्कोर कैलकुलेट हो रहा होगा फॉर पीआई एज वेल एज फॉर फाइनल शॉर्टलिस्ट। अब देखो गाइज, मैं यहाँ पे कुछ बकवास करने नहीं आया हूँ, तीन पैरामीटर्स पे बात करूंगा जिसके लिए हर कोई स्टूडेंट एमबीए कॉलेज ज्वाइन करना चाहता है। पहला सर प्लेसमेंट कितनी है, दूसरा सर कट ऑफ कितनी है, इस कॉलेज में घुसे कैसे, और तीसरा सर फीस कितनी देनी पड़ेगी। आओ अब एक एक चीज ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कॉलेज के प्लेसमेंट की, जो कि होगी जब तुम अपनी दो साल की डिग्री कंप्लीट कर लोगे। हाईएस्ट सीटीसी जो गया है वो है 61.5 लाख पर एनम। जो टॉप 100 बच्चे हैं इस कॉलेज में उनका एवरेज है 48.3 लाख पर एनम, और जो टॉप 200 पीपल हैं इस कॉलेज में उनका एवरेज है 39.2 लाख पर एनम। मतलब कि अगर तुम थोड़ी सी मेहनत करके इनके बैच साइज में टॉप 200 तक भी रहते हो ना, तो ये जो तुम्हारा ड्रीम नंबर है तुम इसे आराम से अचीव कर सकते हो। अब बात करते हैं कि कंपनियां तो आ रही हैं, प्लेसमेंट भी दे रही हैं, कौन कौन से सेक्टर में दे रही हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि कंसल्टिंग, जो कि एमबीए ग्रेड का एक ड्रीम सेक्टर होता है, उसमें 41% हायरिंग हो रही है। कौन कौन सी कंपनीज आ रही हैं, एमबीबीज, मैकेंजी, बेन, बीसीजी, डिलॉयट एटसेट्रा एटसेट्रा। फाइनेंस में जाना है, इन्वेस्टमेंट बैंक, फ्रंट एंड बैक एंड, किस रोल में जाना है, सारे रोल्स ऑफर्ड होते हैं। जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनले, क्रिसिल, हर टाइप की फाइनेंस की कंपनियां मिलेगी। जनरल मैनेजमेंट रोल्स यहाँ मिलेंगे, बहुत सारी बड़ी एमएनसीज रेंजिंग फ्रॉम टीएएस, कोकोकोला, पेप्सी सब आती हैं यहाँ। आईटी एंड एनालिटिक्स, इसमें हो रही है लगभग 15% बैच प्लेस्ड। इसका मतलब यहाँ गूगल, अमेजॉन वेब सर्विसेज, सारी बड़ी कंपनीज आ रही हैं। ऑपरेशन में 10% बैच प्लेस्ड हो रहा है, और जो यहाँ पे सेल्स एंड मार्केटिंग है यहाँ पे 13% जनता प्लेस्ड हो रही है। सारी एफएमसीजीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, पेप्सिको, जितने भी बड़े बड़े नाम हैं वो इस कॉलेज में विजिट करके जाते हैं, तुम ये मान लो। अब सर ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, अगर कुछ समर इंटर्नशिप्स के बारे में पता चल जाता, क्योंकि वो तो हमारे 3 से 4 महीने बाद ही लग जाएगी कॉलेज ज्वाइन करते ही, तो समर इंटर्नशिप भी देख ले रहे हैं। ये समर इंटर्नशिप का डेटा लेके आया हूँ मैं आपके लिए, जिसमें कि साफ साफ गिवन है 6.47 लाख फॉर 2 मंथ्स। ये है हाईएस्ट स्टाइपेंड, मतलब जिस बच्चे का स्टाइपेंड लगा होगा उसे मिले होंगे 6.47 लाख फॉर 2 मंथ्स। कंपनीज कौन सी विजिट कर रही हैं समर इंटर्नशिप्स के लिए, बेन, बीसीजी, डिलॉयट, कंसल्टिंग के महाराजा। फाइनेंस में करनी है तो डी शॉ, डॉइश बैंक, ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, टैस, ये जो है ड्रीम रोल है काफी एमबीए ग्रेड्स का, टाटा एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज। उसके अलावा गूगल, मीडिया नेट, मर्सिडीज बेंस फॉर देयर आईटी एंड एनालिटिक्स रोल। उसके अलावा सारी बड़ी एफएमसीजीज, आईटीसी, एचयूएल, कोकोकोला, एशियन पेंट्स, ये भी आ रही हैं फॉर ऑफरिंग देयर रोल्स इन फील्ड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग। इसके अलावा ये देखो, जो टॉप 20% जनता है इस कॉलेज में उसे मिल रहा है 3.40 लाख रुपीस फॉर 2 मंथ्स। इसके अलावा जो टॉप 50% बच्चा है उसे मिलेगा 3.14 लाख रुपीस। अब तुम्हारा एम होना चाहिए कि तुम टॉप 50% में रहो अगर तुम्हें सारी फिगर्स अचीव करनी है। और इसमें एक मेन चीज़ ये है कि इन्होंने मीडियम स्टाइपेंड भी दे रखा है, जो कि काफ़ी एक अच्छी चीज़ मानी जाती है किसी भी स्कूल के लिए। इससे हमें पता चल जाता है कि आधी जनता 2.5 लाख से ज़्यादा कमा रही है
और बची भी आधी जनता 2.5 लाख से कम कमा रही है। अब ये सब सुनने में तो अच्छा लग रहा है, अब आओ देखते हैं कि आखिर इस कॉलेज में घुसना कैसे है, कैट की कितनी परसेंटाइल चाहिए। सो बेसिकली IMK कैट स्कोर को वेटेज देता है और उसी के साथ साथ 10th, 12th और आपका कुछ वर्क एक्स है तो उसे वेटेज देता है। उसके बाद वो शॉर्टलिस्ट करता है फॉर VAT and PI। VAT and PI में आप अच्छा परफॉर्म करते हो फिर उसका एक क्यूमुलेटिव स्कोर बनता है जिससे कि आपका टोटल कॉम्पोजिट स्कोर निकलता है। उसके हिसाब से आपके सिलेक्शन ऑफर्स और वेट लिस्ट बनाई जाती है। आओ देख ले रहे हैं किसका कितना परसेंट वेटेज है। तो जैसा कि हम स्लाइड में देख पा रहे हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको स्कोर करना पड़ेगा मिनिमम 85% और इसी के साथ साथ आपके सेक्शनल तीनों सेक्शन विच इज LRDI, VARC and Quants इन तीनों में होने चाहिए 75% ईच। इसके साथ साथ आपके 10th क्लास में होने चाहिए मिनिमम 60% एंड 12th में होने चाहिए आपके 60%। सर ये तो मैं आराम से 2 महीने में ले आऊँगा, इसका मतलब IIM कोझिकोड पक्का? नहीं नहीं, ये है आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके बाद आप एलिजिबल हो जाओगे कि वो आपकी प्रोफाइल को देखें और कुछ कैलकुलेशंस करके आपको PI के लिए शॉर्टलिस्ट करें या ना करें। मतलब जो आपका कैट स्कोर है उसका वेटेज होगा 45%, आपका 10th का परसेंटेज स्कोर लिया जाएगा 25%, 12th का लिया जाएगा 15%। अगर आप फीमेल हैं तो आपको मिलेंगे 10% एक्स्ट्रा। अगर आप तो कुछ वर्क एक्स है तो आपको मिल जाएंगे और 5% पॉइंट्स एक्स्ट्रा। इसके बाद एक कॉम्पोजिट स्कोर निकाला जाएगा जिसके हिसाब से शॉर्टलिस्ट बनाई जाएगी फॉर PI and VAT। अगर आप उस नंबर से ज़्यादा ले आ रहे हैं तो आपको आ जाएगी कॉल कि आओ भाई हमारे साथ चाय पे गपशप करो। और अगर कॉल नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी और IIM में पकड़ लेना। अब मोटा मोटा मान के चलो तो अगर तुम कैट में 97 से 98% के बीच में ला रहे हो ना फॉर जनरल इंजीनियर, तो तुम्हारे चांसेस बढ़ जाएंगे कि IIM कोझिकोड तुम्हें शॉर्टलिस्ट कर ले फॉर इट्स PI and VAT प्रोसेस। अब आप देखते हैं कि इसकी फीस कितनी पड़ेगी सब मिला के। तो गाइस ये फीस स्ट्रक्चर है फॉर इट्स PGP and PGP Finance Program। अगर आपको PGP प्रोग्राम ऑफर हुआ है तो आपको खर्च करने पड़ेंगे 22 से 23 लाख फॉर इट्स 2-year course। अगर आपको PGP Finance Program मिला है तो आपको अपनी जेब से खर्चने पड़ेंगे 20 से 21 लाख फॉर इट्स 2-year course। सर क्या इसमें हॉस्टल और मेस इंक्लूडेड है? जी हाँ बिल्कुल, इसमें हॉस्टल और मेस दोनों चीज़ें इंक्लूडेड हैं। सर इतना सारा अमाउंट मैं कहाँ से लाऊंगा? कोई दिक्कत नहीं है, IIM कोझिकोड का काफ़ी बैंक्स के साथ टाइप है जिसमें आप उन्हें सीधा अपना ऑफर लेटर दिखाओ और वो विद इन कुछ टाइम आपका पूरा का पूरा अमाउंट सेंक्शन करा देते हैं विदाउट एनी कोलेटरल एंड विदाउट एनी अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। तो जिन लोगों का ये कन्वर्ट हो चुका है उन्हें तो है बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जो लोग इसे कन्वर्ट करने की सोच रहे हैं यार गियर अप करो क्योंकि कैट 2023 में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा, क्योंकि जो विनर है ना वो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है। खैर अगर आपको कैट 2023 के लिए कोई भी जानकारी चाहिए किसी बुक्स मॉक्स या शॉर्टकट से रिलेटेड या फिर पूरे कोर्स से रिलेटेड, तो आप गिवन नंबर्स पे कॉल करके वो जानकारी भी ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।